तो हेलो फ्रेंड आप लोगों ने अभी जो कि रिव्यू देखा अगर आप भी कुछ उस तरह का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेना है और मेरे चैनल पर न्यू आए हो या पहली बार आए हो हो तो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप भी इस तरह का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आपको एक अप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है एलाइट मोशन एलाइट मोशन में अपने टेलीग्राम चैनल पर पिन करके रख दिया हूँ वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना तो चलिए मैं फटाफट एलाइट मोशन ऐप्स जो है ओपन कर लेता हूँ बिना किसी देरी के तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैं एलाइट मोशन एप्स को जो है ओपन कर लिया है ओपन करने के बाद यहाँ से आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा इस पर जो आपको टाइप कर देना है इस पर टाइप करने के बाद यहाँ से आपको सॉन्ग बीट का मार्क दिखेगा और स्नेक इफेक्ट दिखेगा मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना तो मैं बीट मार्क जो है क्लिक कर देता हूँ बीट मार्क पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये जो सारे बिट दिख रहे हैं इस पर आपको जो है फोटो एड करना है फोटो एड करने के लिए आपको फोटो एड करने के लिए आपको प्लस पे जाना है प्लस पे जाने के बाद यहाँ से आपको मीडिया पे जाना है मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको थ्री डॉट पे जाना है थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ से फिल्ड कॉमनसर एरिया क्लिक कर देना है यहाँ से आपको तिर का ऑप्शन देखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका कट का ऑप्शन आएगा इस पर जो आपको टिप कर देना है इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फिर से प्लस पे जाना है प्लस पे जाने के बाद यहाँ से आपको मीडिया पे जाना है मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से आपको फिर से एक फोटो लेना है जो मैं फोटो एडिट करूँगा फ्रेंड आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको पिन कर दिया वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना तो मैं दूसरे फ़ोटो को जो है ऐड कर लेता हूँ ऐसे ही फ्रेंड मैं सारे फ़ोटो को जो है फटाफट ऐड कर लेता हूँ तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैं सारे फ़ोटो को जो है ऐड कर ले फ़ोटो ऐड करने के बाद यहाँ से आपको जो है बैक आना है बैक आने के बाद यहाँ से स्नैक इफेक्ट पे जाना है स्नैक इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको जो है इस वाले फोटो फर्स्ट वाले फ़ोटो पर जो है क्लिक कर देना है वो फर्स्ट वाले फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है इफेक्ट पर जाने के बाद यहाँ से आपको जो है थ्री डॉट पे जाना है थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ से आपको कॉपी इफेक्ट आएगा इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो है बैक आ जाना है बैक आने के बाद यहाँ से आपको सॉन्ग बीट मार्क पर फिर से चले जाना है बीट में मार्क पर जाने के बाद यहाँ से आपको जो है नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ से आपको जो है इस वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है इस वाले फ़ोटो पे आपको क्लिक करने के लिए बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको जो है थ्री डॉट पे जाना है थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ से आपको जो है पास्ट इफेक्ट दिखेगा इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो है दूसरा वाला फोटो क्लिक करना है और इस पर इफेक्ट जो है लगा देना है इस वाले फोटो पर भी मैं इफेक्ट लगा देता हूँ फटाफट में सारे फोटो पर जो है जो आपको फर्स्ट वाला बिट दिख रही है फ्रेंड यहाँ तक आपका जो आ, तक है फर्स्ट वाला इफेक्ट लगेगा ये यहाँ तक किधर गया यहाँ तक जो है हमारा जो है फर्स्ट वाला इफेक्ट लगेगा यहाँ पे तो मैं पहले यहीं पे लगा देता हूँ फर्स्ट वाला इफेक्ट किधर गया फोटो तो इस वाले फोटो में पहले लगा देता हूँ इफेक्ट पे जाना है थ्री डॉट पे जाना है थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ से आपको पास्ट इफेक्ट कर देना है यहाँ से आपको फिर इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है थ्री डॉट पे जाना है और पास्ट इफेक्ट कर देना है यहाँ तो आपका जो है फर्स्ट इफेक्ट लगता है तो मैं फटाफट फ़ड़ जो है लगा लेता हूँ तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैं फर्स्ट इफेक्ट को जो है लगा लिया हूँ फिर यहाँ से आपको जो है बैक आना है बैक आने के बाद यहाँ से आपको स्नैक इफेक्ट पे जाना है स्नैक इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको जो है दूसरा वाला फोटो पे आपको क्लिक कर देना है दूसरा वाले फोटो पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो है इफेक्ट पे जाना है इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे फिर आपको थ्री डॉट पे जाना है और यहाँ से काफी इफेक्ट कर देना है यहाँ से फिर आपको जो है बैक आना है बैक आने के बाद यहाँ से बीट मार्क पर फिर से आपको जो है चले जाना है बीट मार्क पर आपको जाने के बाद यहाँ से आपको जो है जहाँ तक हमारा इफेक्ट लगा है वहाँ के वहाँ से थोड़ा सा हटके आना है यहाँ से जो है हमारा इफेक्ट जो है नहीं लगा है यहाँ जो हमारा दूसरा जो इफेक्ट लगने वाला है तो कि इस वाले फोटो पे आपको क्लिक कर देना है फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है एंड थ्री डॉट पे जाना है थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ से आपको जो है फास्ट इफेक्ट कर देना है तो हमारा फोटो जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ से आपको जो है तीसरा इफेक्ट लगेगा ये वाला यहाँ तक आपका जो है ये तीसरा इफेक्ट लगेगा तो हमारा फर्स्ट इफेक्ट भी इधर ही लगने वाला है इधर भी लगने वाला है तो फर्स्ट इफेक्ट जो इफेक्ट को जो है मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से आपको फोटो जो है इस वाले फ़ोटो पे आपको क्लिक कर देना है इस पर आप ले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाने के बाद फिर से आपको जो है थ्री पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको जिस पे हमको लगाना है फर्स्ट वाला इफेक्ट यहाँ से इस वाले फ़ोटो से हम लोग का पाँच छः फोटो पे सब फ्रेंड लगेगा हमारा फिर से फर्स्ट इफेक्ट तो मैं लगा देता हूँ फ़ोटो पे क्लिक करना है पेस्ट कर देना है यहाँ से फिर इस वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है और इस पर जो है पास्ट कर देना है तो इस वाले फ़ोटो पे भी लगा देना है और यहाँ इस वाले फ़ोटो पे भी लगा देना है इफेक्ट कॉपी पास्ट कर देना है और इस वाले फ़ोटो पे भी लगा देना है यहाँ पे छह फोटो पे लगेगा फोटो तो आपका जो है फर्स्ट वाला इफेक्ट और इफेक्ट पे थ्री डॉट पे जाना है थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ से पास्ट कर देना है तो मैं नीचे आके देख लेता हूँ कि हमारा फर्स्ट इफेक्ट जो है अच्छा ही फ़ोटो पर तो लगेगा ही ना हाँ फ्रेंड तो सही फ़ोटो पे लगेगा तो फिर यहाँ से आपको जो है बैक आना है बैक आने के बाद यहाँ से स्नैक इफेक्ट पे जाना है और यहाँ से फिर आपको जो है थ्री थ्री एंड इफेक्ट जो है कॉपी कलर करना है तो फोटो पे क्लिक करना है इफेक्ट पे जाना है इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से थ्री डॉट पे जाके इसको भी कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद यहाँ से फिर बैक आ जाना है बैक आने के बाद यहाँ से आपको जो है बीट मार्क पर चले जाना है बीट मार्क पर जाने के बाद यहाँ से आपको वहाँ फोटो पर जाना है जहाँ हमारा इफेक्ट नहीं लगेगा लगा है जहाँ पे थ्री इफेक्ट हमारा लगने वाला है तो ये दो एक यहाँ पर हमारा जो है थ्री इफेक्ट लगने वाला है थ्री वाला तो यहाँ से हम लोग इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पास्ट इफेक्ट कर देना है इस वाले फ़ोटो पर भी आपको कर देना है यहाँ तक जहाँ तक आपका फर्स्ट वाला है वहाँ तक नहीं वहाँ तक कर देना है उसके बाद यहाँ से छोड़ देना है आपको यहाँ से जो है पास्ट कर देना है पास्ट करने के बाद यहाँ से आपको इस वाले फ़ोटो पर भी इफेक्ट लगा देना है इस वाले फ़ोटो पर भी आपको जो है इफेक्ट लगा देना है इस पर नहीं फर्स्ट वाला इफेक्ट लगा है सॉरी फ्रेंड आपको जो है थ्री फोर 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 फोटो पर ही लगेगा आपका थ्री वाला इफेक्ट यहाँ से आपको जो है फिर बैक आ जाना है बैक आने के बाद यहाँ पे इसनेक इफेक्ट इस पे जाना है स्नैक इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको फोर्थ वाला जो है इफेक्ट है इस पर इसको आपको कॉपी करना है तो फोटो पे क्लिक करना है इफेक्ट पे जाना है एंड थ्री डॉट पे जाके इसको भी कॉपी कर लेना है यहाँ से आपको फिर से बैक आ जाना है बैक आने के बाद यहाँ से आपको जो है सॉन्ग बीट मार्क पे जाना है फिर से जो आपको ऐसे तीर पर आपको क्लिक करते रहना है जहाँ से आपका इफेक्ट नहीं लगा रहेगा वहाँ से आपको जो इफेक्ट लगाना है तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो इफेक्ट नहीं लगा है तो इस बार यहाँ से मैं यहाँ से आपका जो है सारा यहाँ से आपको सारे फोटो पे जो है फोर्थ वाला इफेक्ट लगेगा तो मैं लगा लेता हूँ फ्रेंड फटाफट तो इस वाले फ़ोटो पे जो आपको क्लिक कर देना है यहाँ से इफेक्ट पे जाना है थ्री रोड पे जाके यहाँ से आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है फिर दूसरा वाले फोटो पे क्लिक करना है इफेक्ट पे जाना है थ्री डॉट पे जाके यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है तो मैं सारे फ़ोटो पे जो इफेक्ट लगा लेता हूँ फटाफट तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैं सारे फ़ोटो पर जो इफेक्ट लगा लिया हूँ और हमारा स्टेटस जो है बन के रेडी हो चुका है आप रेडी हो चुका है तो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग के ऐप्स सेटिंग के बगल में आपको जो ये वाला और एरो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा इस पर जो आपको क्लिक कर देना है तो गैलरी में जो आपका वीडियो सेव हो जाएगा यहाँ से पूरा एक्सपोर्ट होने के बाद तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत